उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के जनपद क्षेत्रों में अब तक टमाटर के दाम बढ़ने से आम जनता की कमर टूट रही थी, जिसके चलते अब लहसुन के इतने दाम बढ़ गए हैं कि जनता ना खाने को मजबूर है। वहीं जब हमने लहसुन के बढ़ते दामों के बारे में दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले 50 से 70 रुपए किलो लहसुन बिकता था, लेकिन आज लहसुन के दाम दो गुना हो गए हैं। मंडी की अगर बात की जाए तो 150 रुपए से 200 रुपए किलो बिक रहा है लहसुन, जिससे आम जनता लहसुन को नहीं खरीद सक पा रही है। जो आम आदमी 1 किलो लहसुन खरीदने वाला था, वो अब 200 रुपए किलो दाम होने से 250 ग्राम लहसुन ही खरीद पा रहा है, जिसमें गरीब जनता ने खान पान में भी लहसुन का कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिसके चलते जब हमने जनता से इस बारे में बात की तो जनता ने बताया कि अब तक टमाटर के रेट से हम परेशान थे, लेकिन अब लहसुन के दाम इतने हो गए हैं कि हमारे बजट से लहसुन हट गया है। जो लहसुन हम 1 किलो की मात्रा में खरीदते थे, वह लहसुन 250 ग्राम की खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसमें लहसुन के बढ़ते दामों को देख हमने लहसुन का कम उपयोग करना शुरू कर दिया है। जब हमने लहसुन के बढ़ते दामों के बारे में लहसुन कारोबारी नूर हसन से बात की तो उन्होंने बताया कि 70 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन अब 200 रुपए किलो और 250 रुपए किलो बिक रहा है, जिसमें लहसुन का खान पान में कम इस्तेमाल किया जा रहा है और जनता उसे नहीं खरीद पा रही है, जिससे मंडी में दुकानदार ना बिकने की वजह से कम लहसुन को खरीद पा रहे हैं। लहसुन कारोबारी नूर हसन ने बताया कि आगे लहसुन के दाम बढ़ भी सकते हैं, जिससे कि लोग खरीद ही नहीं सकेंगे। महंगाई जो है ना ऊपर से ही है, ये तो ग्राहक किस तरीके से टमाटर, अब ग्राहक कम खरीद रहा है महंगाई के वजह से, महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई के वजह से ग्राहक बहुत कम ले रहा है। पहले तो अब से 15 दिन पहले 40 रुपए 30 रुपए था, अब जो है 60 रुपए है, 55 रुपए 50 रुपए का घट्टे का रेट है इनका। कैसे देख रहा है टमाटर को, लेना पसंद कर रहा है या नहीं? ग्राहक मजबूरी में ऐसा है, जिसका खर्चा 1 किलो का है वो 250 ग्राम ले जा रहा है, जिसका 250 ग्राम का खर्चा वो 5 रुपए से 10 रुपए तक कम चला रहा है, इसलिए आदमी बहुत कम खरीदारी कर रहा है। ये है पहले से, अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसमें महंगाई बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए इसकी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुझे दिनेश सानी कहते हैं, मझौला मंडी मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। देखिए जी, ये प्याज और टमाटर की महंगाई को लेकर के जैसा कि चल रहा था, क्या अब ये सुर्खियों बना हुआ कि लहसुन भी काफी महंगा होता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? लहसुन तो कुछ समय से महंगा चल ही रहा है, अभी और थोड़ी संभावना रहेगी महंगा रहने की, कोई नई फसल अभी नहीं आई है। प्याज और टमाटर की फसल द्वारा आनी चालू हुई है, इसलिए इसके दाम उतरते रहेंगे, बढ़ने की संभावना नहीं है जी। इसी के बारे में जैसे काफी अगवाई हो रही हैं प्याज की और लहसुन को लेकर के, कि प्याज बहुत महंगा है और लहसुन बहुत महंगा है, तो क्या? प्याज बहुत महंगा नहीं है, प्याज आज की तरह 25 से 30 रुपए तक मुरादाबाद में बिक रहा है, और इसमें किसी तरह की महंगाई इस बार में नई फसल आनी शुरू हो गई है, धीरे धीरे दाम नियंत्रण में रहेंगे। लहसुन की क्या महंगाई है? लहसुन तो थोड़ा बहुत महंगा है, अभी नई फसल आई नहीं है जी। यहाँ पर क्या रेट बिक रहा है, मार्केट में क्या है और मंडी में क्या रेट है? लहसुन यहाँ पर 100 से लेकर 150 रुपए किलो तक बिक रहा है मंडी, और मार्केट में क्या बाजार है? मार्केट के बारे में तो भैया वही लोग बता सकते हैं। जी क्या नाम है? मुझे मुजम्मिल कहते हैं जी। अच्छा भैया, जैसे कि टमाटर के रेट बढ़े हुए थे, अब लहसुन की अगर बात की जाए तो 150 रुपए किलो बताया जा रहा है, क्या आप खा पा रहे हैं? जी लहसुन में तो क्या तेजाए तो रहनी रहनी है, क्योंकि लहसुन की फसल नहीं आ रही अभी, पुराना लहसुन चल रहा, कम हो गया तो महंगा तो बिके गई। क्या रेट है इस टाइम? अभी रेट तो ऐसा मान लो 200 रुपए 300 रुपए 250 रुपए तक बिक रहा। क्या कहना चाहेंगे इसका? लहसुन पे क्या आगे जो फसल आगी उस पर मत दबो पाएगा। क्या आप खा पा रहे हैं? अब मजबूरी में तो थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा, साहब कोई खा रहा कोई नहीं खा रहा। गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट तो उसमें कुछ नहीं सुनती साहब, उसमें क्या सुनेगी गवर्नमेंट। क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या बताएं, बताओ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर हसन है और मैं लहसुन प्याज का एक व्यापारी हूँ, जो एक्सपोर्ट और फुटकर की बिक्री और जो बाज़ारों में रिटेल की बिक्री के लोग ले जाते हैं वो मेरा सब काम है जी। बाहर से मंगाता हूँ और मंडियों में बेचता हूँ। अच्छा, अब जो जैसे कि टमाटर के रेट बढ़े हुए थे, लोग नहीं ले पा रहे थे, अब जो रेट बढ़े हुए हैं वो लहसुन पे बढ़े हुए हैं, क्या रेट चल रहा है, क्या पूरा मामला? देखिए, टमाटर की पोजीशन तो ये थी कि टमाटर तो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए बिक रहा था और प्याज भी यही बिक रही थी 30 से 40 रुपए, लेकिन अभी जो लहसुन का मामला चल रहा है, लहसुन यहाँ मंडियों में लेकर 100 रुपए से 160 रुपए तक लहसुन बिक रहा है, 160 रुपए तक की लहसुन की पोजीशन है यहाँ पर जी।
जी क्या क्या मानना है तुम्हारा, रेट कम होंगे या चढ़ेंगे इस पे? देखिए लहसुन का मानना ये है कि लहसुन पे बाजार अभी चढ़ता रहेगा क्योंकि लहसुन की नई फसल नहीं आई है, और जैसा कि प्याज और टमाटर की नई फसल आ गई है, लहसुन में अभी बाजार यह आंकड़ा लग रहा है हम लोगों के 200 के पार हो जाएगा दिवाली तक। इस टाइम क्या रेट है? इस टाइम बिक रहा है 150 रुपये से लेकर 120 रुपये किलो तक थोक का रेट है। अच्छा, ये तो मंडी की बात रही, तुम जैसे मंडी में तुम कोई सेलर तुमसे लेकर जाता है फिर वो क्या रुपये रेट बेचता है? देखिए यहाँ से ले जाने के बाद आदमी 50 रुपये किलो पे काम करता है, क्योंकि महंगी चीज़ है 200 रुपये किलो की, वो वहाँ पर 200 से 250 रुपये किलो बेचते हैं। क्या जनता इस्तेमाल कर रही है लहसुन का इस टाइम? जनता इस्तेमाल कर रही है, नहीं करेगी तो क्या चीज़ इस्तेमाल करेगी? लेकिन ऐसे ही महंगाई रही अगर आने वाले टाइम में तो क्या गरीब लोग क्या खाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए देश की जो सरकार है हमारी, वो इस पर कहीं ना कहीं मुद्दा उठाए और इसकी महंगाई को कम करे। बस यही कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि लहसुन और प्याज के रेट कम हो जाने चाहिए। टमाटर तो चलो महंगा नहीं है, लेकिन अभी प्याज भी महंगी है और ज़्यादा महंगा लहसुन है। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।